Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about top M.Tech food technology colleges in India. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे, बट अपने इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग IIT JAM 2022 एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी पे एक बैच वन आ रहा है और इस बैच का जो नेम है वो है अचीवर्स फॉर JAM 2022. तो फ्रेंड्स इसको आप लोग बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम से ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग इसको केमिस्ट्री स्ट्रीम से ज्वाइन कर सकते हैं. और फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए बैच वन है और फ्रेंड्स ये जो है ये न्यू बैच अलर्ट है आप सभी लोगों के लिए IIT JAM 2022 एग्जाम को लेके. और फ्रेंड्स ये जो बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगा. फ्रेंड्स आप लोग इसको केमिस्ट्री स्ट्रीम से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए मैं आप लोगों को सेपरेट लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा. आप लोग इसको बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक सेपरेट लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा. उन लिंक्स के थ्रू आप लोग जो है इस अचीवर्स फॉर जैम 2022 को वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स ये बात हो गई एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन की. अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोग जो है M.Tech फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कहां कहां से कर सकते हैं. फ्रेंड्स इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आप लोग जो है अपना M.Tech फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं. और फ्रेंड्स इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, अगर आप लोगों ने बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी किया है तो आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं M.Tech इन फूड टेक्नोलॉजी को. अगर आप लोगों ने MSc फूड टेक्नोलॉजी कोर्स किया है तब भी आप लोग इसको कर सकते हैं, या MSc फूड साइंस में किया तब भी कर सकते हैं. आप लोगों ने अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फूड टेक्नोलॉजी या फूड इंजीनियरिंग में किया है तब भी आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं. और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया तब भी आप लोग M.Tech इन फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं. MSc बायोटेक के बाद भी आप लोग एलिजिबल होते हैं. बट फ्रेंड्स इन सभी कोर्सेज के बाद आप लोगों का जो गेट का एग्जाम है वो क्वालिफाई होना जरूरी है. तो फ्रेंड्स फिर आप लोगों को जो है स्टाइपेंड भी मिलता है, आप लोगों को 12,400 रुपए वहां पे मिलता है अगर आप लोग इस कोर्स को करते हैं. तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में. फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे कॉलेज है वो है हमारा CFTRI और ये मैसूर में है. फ्रेंड्स सेकंड जो इंस्टीट्यूट है वो है हमारे यहाँ पे IIFPT और फ्रेंड्स ये जो है हमारा थंजूर में है. और नेक्स्ट जो है वो है हमारे यहाँ पे AAU, ये हमारा आनंद में है. नेक्स्ट जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है हमारा NDRI, ये हमारा करनाल में है. फ्रेंड्स नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है वो है हमारा PAU, ये हमारा लुधियाना में है. नेक्स्ट जो है वो है हमारा NIFTEM, ये हमारा कुंडली में है. और नेक्स्ट जो है वो है हमारा IIT खड़गपुर भी आप लोगों का M.Tech इन फूड टेक्नोलॉजी कोर्स प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट जो है वो है NIT राउरकेला में से भी आप लोग अपना M.Tech इन फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है ICT मुंबई, ये भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है. नेक्स्ट जो है वो है तेजपुर यूनिवर्सिटी, ये तेजपुर में है. नेक्स्ट जो है SLIET, ये हमारा संगरूर में है, यहाँ से भी आप लोग जो है अपना M.Tech इन फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है वो है IIT गुवाहाटी. नेक्स्ट जो है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई. फ्रेंड्स ये सभी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप लोग जो है अपना M.Tech इन फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं. फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एक इंटरेस्ट होता है वो फूड टेक्नोलॉजी में होता है. तो फ्रेंड्स आप लोग जो है अगर फूड टेक्नोलॉजी में अपना मास्टर कोर्स करना चाहते हैं, अपना M.Tech करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सभी इंस्टीट्यूशंस जो हैं बेस्ट हैं. आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं और अपना ये जो आप लोगों का कोर्स है इसको आप लोग कर सकते हैं. और इंडिया के अंदर बहुत सारी फूड की कंपनीज भी हैं, जैसे नेस्ले है, पार्ले है, ब्रिटानिया है, अमूल है, बहुत सारी फूड की कंपनीज हैं जो कंपनीज आप लोगों को अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स के साथ में आप लोगों को जॉब देती हैं. और फ्रेंड्स अगर आप लोग किसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से करते हैं अपना M.Tech फूड टेक्नोलॉजी कोर्स, लाइक जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि IIT खड़गपुर से करते हैं, IIT गुवाहाटी से करते हैं, या NIT राउरकेला से करते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों का प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है. और अगर आप लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से करेंगे तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा. अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाएंगे या फ्रेंड्स सेंट्रल और स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स की थोड़ी प्रॉब्लम
रहती है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को वहां पे प्रेस कर लिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग।